नमस्ते दोस्तों, अगर आप सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, आपको आवेदन करते टाइम बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको ओटीपी नहीं आ रहा है, या फिर आप जैसे आधार नंबर डालने के बाद आपको ओटीपी प्राप्त करे पे क्लिक करते हैं तो वहाँ ओटीपी नहीं आता है। अगर ओटीपी आ भी जाता है तो आप ओटीपी डाल नहीं पाते हैं, ओटीपी अगर डाल भी देते हैं तो आपका आधार का डाटा फैच होकर के नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। चलिए जानते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है और ये क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आपका सहारा रिफंड पोर्टल में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसा कि दोस्तों, अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपका जो है जमाकर्ता पंजीकरण और जमाकर्ता लॉगिन जो है वो सक्सेसफुली हो जाता है, उसके बाद जो है प्रॉब्लम का पहाड़ स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो जब आप छठे स्टेप पे आते हैं, यहाँ पे अपना व्यक्तिगत जानकारी के लिए जो आप आधार नंबर डालते हैं, जैसे ही ओटीपी प्राप्त पे क्लिक करते हैं तो यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि आपका ओटीपी सेंड नहीं आता है। वहाँ पे आपको ट्राई अगेन ओनली 2 मिनट वेट करने के लिए आपको बताया जाता है। तो आपका ओटीपी नहीं आता है तो बहुत केस में ऐसा है, बहुत लोगों के साथ ऐसा भी हो रहा है कि उनको ओटीपी मिल रहा है लेकिन ओटीपी डालने के बाद उनका ओटीपी सबमिट नहीं बता रहा है, रॉन्ग ओटीपी बता रहा है, इनवैलिड ओटीपी बता रहा है। और किसी लोग का ऐसा भी हो रहा है कि अगर ओटीपी सत्यापन हो जा रहा है तो उसके बाद आगे के स्टेप में जो उनका यहाँ पे डिटेल जो है फैच होकर के नहीं आ रहा है, जैसे कि नाम, उपनाम, जन्म तारीख, पिता का नाम, वो यहाँ पे फैच होकर के नहीं आ रहा है। और किसी का अगर फैच होकर के भी अगर आ रहा है तो यहाँ पे उनका यहाँ पे जो है सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर्म जो है वो यहाँ पे नहीं बन पा रहा है। ये जो क्लेम फॉर्म है, ये क्लेम फॉर्म आपका नहीं बन पा रहा था। ये क्लेम फॉर्म जो है आपको ऐसा नहीं है कि आप किसी से ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे व्यूअर थे जो कि हमसे पूछ रहे थे कि अगर आपके पास इसका पीडीएफ है तो निकाल के हमें भेज दीजिए। तो वैसा कोई भी किसी से भी ले करके ये पीडीएफ पे अपना फोटो चिपका करके या सिग्नेचर करके आपको ये अपलोड नहीं करना है। इस पीडीएफ में जो है आपका टोटल जानकारी दिया गया है, जो भी जानकारी आप यहाँ पे भर रहे हैं अपने पैसे के लिए, कि आपका जो है यहाँ पे कौन से कॉर्पोरेटिव में आपने पैसा जमा किया था, सदस्यता संख्या, खाता संख्या, पासबुक संख्या, उठा था खाता खोलने की तिथि और योगदान राशि जो है था वो आप यहाँ जो डाल रहे हैं विवरण उनका यहाँ पे वो सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर्म में यहाँ पे खुल के आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका क्लेम नंबर, स्कीम नंबर, जो आपका यहाँ पे मेंबर नंबर है, अकाउंट नंबर है, वो सारा यहाँ पे दिखता है। इस वजह से आप किसी का ये फॉर्म ले करके किसी से ना भरें, क्योंकि आपका जो है ये डिटेल उनका दिखेगा, आपका नहीं दिखेगा। तो यही सारा प्रॉब्लम जो है आ रहा है यहाँ पे, जो भी इसका रिफंड पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करते हैं तो यही सारा प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है? तो दोस्तों, इसका सोल्यूशन कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सरकार की तरफ से पोर्टल बनाया गया है, पे बहुत ज़्यादा विजिटर हो गया है आवेदन देने वाला। इस वजह से ये साइट, अभी इस साइट का सर्वर डाउन हो गया है, जिस वजह से जो है यहाँ पे ये साइट सही से वर्क नहीं कर पा रहा है। सहारा रिफंड पोर्टल की टीम जो है इस पर बहुत वर्क कर रहा है, जिसके वजह से कि ये बहुत जल्दी ही ये साइट सही हो जाएगा, जहाँ से कि आवेदन फिर से कर सकते हैं। तो अभी जो है इसका कोई भी ट्रिक नहीं है कि आप इस ट्रिक को लगा लेते हैं, आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, इसका ऐसा कोई भी ट्रिक नहीं है। जैसे ही ये साइट अपग्रेड हो जाएगा उसके बाद जो है आप बिल्कुल सही तरीके से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब ये पोर्टल सही हो जाएगा तो आप यहां से आकर के आवेदन कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम इस तरह का नहीं देखने के लिए मिलेगा। अभी जो है आप बार बार ट्राई करके चेक कर सकते हैं कि आपका हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कुछ दिन वेट कर लीजिए या कुछ देर वेट कर लीजिए, फिर से ट्राई कीजिए। तो अगर आपका हो गया तो आप समझ जाइए कि ये पोर्टल जो है सही हो चुका है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये मेरा जानकारी आप लोग को पसंद आया होगा। और दोस्तों, ये पोर्टल जैसे ही सही होगा तो मैं एक वीडियो बना करके आप लोगों को जानकारी दे दूंगा कि अब जो है आवेदन होना शुरू हो गया है तो आप लोग भी आवेदन कर सकते हैं। तो मैं आपको एक वीडियो बना करके जानकारी दे दूंगा, इसलिए दोस्तों आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। अगर कोई लोग हैं जिनको कि समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है तो उनको भी समझ में आ जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।